पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या कि आपको पहले से ही तैयार करके रखना है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं अराइज हो. तो ऐसा कैसे करेंगे? टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन द वर्कर्स मैनेजर और द फैक्ट्री ओनर्स. ही एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. बोर्ड शुड रियलाइज दैट ईच इज इंपॉर्टेंट टू अस. अगर मैनेजर के पास हुक्म देने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे, वर्कर ही नहीं रहेंगे, तो मैनेजर हुक्म किस पे देगा? एंड अगर सबॉर्डिनेट्स के पास गाइड करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो काम क्या करेंगे? तो आप में दोनों को रियलाइज करना है कि मैनेजर एंड वर्कर दोनों को रियलाइज करना है कि उनको दोनों को साथ में रहकर ही चलना है, साथ में रहकर ही काम होगा, अकेले से काम नहीं होने वाला है. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट शुड गेयर शेयर एनी गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स, मतलब बोनस के रूप में. एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड, वर्कर्स को भी वर्क हार्ड करना चाहिए. उनको जब देखना चाहिए कि मैनेजमेंट अपने लिए इतना पेन्स ले रहा है तो अपने को खुद को भी इतना कुछ करना चाहिए. देखो अभी जैसे काफी कंपनीज है राइट, अभी अपना क्योंकि अपना अभी टेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं सबके COVID-19 की वजह से, तो काफी कंपनीज जो है, आपके भी जो जॉब करने वाले लोग होंगे, इनफैक्ट आपके काम घर के जो मेड भी होगी, आप लोगों ने उनको सैलरी दे दी होगी अगर नहीं आ रही है तो. हाँ. है ना. हाँ. तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक तरीके से अपन लोग ने मेंटेन किया, अपन ने इनको बताया कि कुछ नहीं होता भाई, मत आ तू थोड़े दिन, मत आओ आप लोग, मत आओ थोड़े दिन, लेकिन आप लोग हमारे साथ हो, यू आर पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो वी विल पे यू. हमारी कमाई नहीं हो रही इस टाइम चलेगा, वी कैन बेयर द लॉस, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नॉट स्टे हंग्री, यू शुड नॉट स्लीप हंग्री, आपको ज्यादा जरूरत है राइट. तो अपन लोग भी इस तरह से कर ही रहे. तो ये आपको सिर्फ टेस्टिंग टाइम्स में नहीं, आपको इन जनरल भी ऐसा ही रखना चाहिए कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके इसमें मेंटेन रहे. यहाँ पे इन लोगों ने कोई एग्जांपल दिया, जापानीज वर्क कल्चर. जापानीज वर्क कल्चर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सच सिचुएशन. इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस. देयर इज अ कंप्लीट ओपननेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. इफ ऑल वर्कर्स गो टू स्ट्राइक दे वेयर अ ब्लैक बैज विदाउट ब्लैक बैज बट वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स टू गेन द सिंपैथी ऑफ मैनेजमेंट. मतलब वो क्या करेंगे, दे वेयर अ ब्लैक बैज और काम करना दुगुना चालू कर देंगे, तो उससे सिंपैथी मिलेगी मैनेजमेंट को. लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग काम इस तरह से करते हैं कि काम हो ही भी ना, लेकिन जब अपना स्ट्राइक खुल जाए तो काम रुके भी ना. मैंने आपको बताया था शायद कि जैसे जूते बना रहे हो तो दे विल ओनली हाँ, एक ही पैर बनाया, एक पैर नहीं, एक ही पैर का बनाया, मतलब एक ही लेग का शू, लेफ्ट शूज ही बनाया, राइट शू बना ही नहीं रहे. तो प्रोडक्शन तो चालू है, बस आपको हमारी बात मान लो, तुरंत दूसरा जूता भी चालू हो जाएगा, आपका जोड़ी रेडी रहेगा. अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, अपन लोग तो वेट करते हैं. अपने यहाँ तो जबरदस्ती स्ट्राइक करवाई जाएगी, अपने जो अपोनेंट्स रहेंगे वो जलाया जाएगा. ये अपने यहाँ सिस्टम ही अलग है, डिस्ट्रक्शन. अपने यहाँ काम नहीं करने के 101 बहाने अपन इंडियंस बना सकते हैं, जबकि अपने पास इतनी स्किल्स और इतनी कैपेबिलिटीज है, लेकिन आलस और ये फ्री के खाने की जो अपन लोगों के यहाँ लोगों को आदत लग चुकी है, वो आदत अपने मतलब एम्बैरेसिंग है, ये बहुत ज्यादा बड़ी आदत है. ठीक है, नेक्स्ट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब अपन ने पढ़ा था एस्पिरिट दे कॉर्प्स राइट, उसमें हेनरी पेओल में 14th प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल टीम स्पिरिट का. हाँ, तो ये टीम स्पिरिट से रिलेटेड ही है कि आपको सबको सबके साथ कोऑपरेशन होके चलना है, सबके साथ कोऑपरेट करना है और खुद के बारे में नहीं सोचना है, और खुद के इंटरेस्ट को सबॉर्डिनेशन ऑफ वो वाला इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट टू सॉरी इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये वाला भी वही है, मतलब दोनों का मिक्स करके, मतलब टीम स्पिरिट प्लस ये दोनों मिला के. देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन होम बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म. दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड. तो हार्मनी एंड नॉट हार्मनी कब मेंटेन रहेगी, जब सबके सब जो रहेंगे सब अपने अपने हिसाब से नहीं सोच के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप सोचोगे इसका मतलब कि आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं. तो दिस ये एक्चुअली दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. क्योंकि हार्मनी मेंटेन करके रखना है तो आपको अपने अपने आप को छोड़ के जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा. दिस प्रिंसिपल ये हो गया. कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन. बोथ शुड रियलाइज दैट दे आर इन नीड ऑफ ईच अदर. मैं वापस से पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें बेसिक खत्म हो गया है. इन्होंने गांव भरी का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, उतना अपने को ध्यान नहीं देना है. जब अपनी क्लास रीओपन होगी मैं आपको एनसीईआरटी में से अनलाइन करवा लूंगा, बस उतना ही लिखना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. सर इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको बड़ी सारी केस स्टडी दे दी रहेगी और आपसे पूछेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल है. ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है. दूसरा तरीका होगा कि डायरेक्टली आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने पूछ लेंगे. तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें अनलाइन कराऊंगा, बुक से अनलाइन कराऊंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लिखाऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है. ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो. जनरली केस स्टडीज ही आती है ना. हाँ,
लेकिन अभी ये जैसे एक एक मार्क के कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना, अभी आप लोगों का पूरा पूरा पेपर केस स्टडी का हो गया है, तो अपने को इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के हिसाब से केस स्टडी करनी है। मैंने हर चैप्टर, 6 चैप्टर की मेरे पास रेडी है केस स्टडीज की बुकलेट पूरी, अपन उसको सॉल्व करेंगे। मतलब मैं एक एक सोच रहा हूँ इस बार सॉल्व करें, क्योंकि अपने पास टाइम ज्यादा है, अपन ने क्लास जल्दी चालू कर दी है, तो बट वी विल सी कैसे थिंग्स गो ऑन होगी। तो आपकी जब क्लासेस खुलेंगे, सबके पास एनसीईआरटी होगी, तब अपन लोग ऑनलाइन करना चालू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। पर्सनल कॉम्पिटेंसीज मतलब आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर बेस करता है। आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है, वो जितना ज्यादा कॉम्पिटेंट रहेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला, उसका उतना ही अच्छा आपका एफिशिएंसी लेवल रहेगा। As such, scientific management also stood for worker development. Worker training was essential also to learn the best method developed as the consequence of scientific approach. Taylor of one of the view that concern for efficiency could be built in a right from process of employee selection. मतलब इसका कहना था कि आप ऐसे बंदे को चूज करो जो आपको लगता है कि बहुत केपेबल है, और ये केपेबिलिटी ढूंढने का काम आपको कब से करना है, जब से आप उसको अपॉइंट कर रहे हो। अपन लोग देखते हैं ना कि आपके रेज्यूम अपन बनाते हैं, रेज्यूम में अपन लोग अपनी डिग्रीज लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो आपके कैपेबिलिटीज को आपके रेज्यूम से आंख पाए, क्योंकि वो बिना देखो एक्चुअल पर रेज्यूम भी आपका कुछ नहीं होता। कुछ लोग रेज्यूम में भी जबरदस्ती की चीजें भरते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे जो ट्रेनिंग जो CA CS वाले आर्टिकलशिप करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस में जो काम उन्होंने नहीं भी किया ना, उसके बारे में रेज्यूम में डाल देंगे। क्योंकि मेरे ऑफिस में, जस्ट बिकॉज़ ये काम मेरे ऑफिस में आता है, भले ही वो काम रेज्यूम, मतलब रेज्यूम मतलब मतलब आपका एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन में रेज्यूम नहीं देते क्या? अच्छा, जॉब एप्लीकेशन में रहता है वो डिटेल, वो पर्सनल डिटेल वाला। हां हां हां, तो वो, हाँ, वो जो चीज है उसमें लोग क्या करते हैं, जो नहीं भी किया होता है अपने ट्रेनिंग के टाइम, वो ट्रेनिंग वो भी डाल देते हैं और थोड़ा बहुत पूछ लेंगे। सर तो वो इंटरव्यू वाले पागल थोड़ी ना जो मान लेंगे। इंटरव्यू वाले पागल नहीं बेटा, लेकिन क्या होता है कि वो पूछ लेंगे। जैसे मैंने एक लिंक सेल, बैंक के लिंक सेल का ट्रेनिंग में काम किया था, तो मेरा जो जूनियर था ना, उसने मुझे भैया ये बता दो उसमें करना क्या होता है, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा। तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब वो बेवकूफ तो है नहीं कि उसको एक्सप्लेन करते नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा मैं उसको समझा रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए काफी सर, ये हम भी कर सकते हैं ना जब बड़े होने के बाद। अभी करोगे, तुमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आइडियाज अपने आप आते हैं। वंस यू स्टार्ट ट्रेनिंग, आपको खुद के सारे आइडियाज आ जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक सबसे पहले करेक्ट एफिशिएंसी वाले बंदे को सिलेक्ट करो, करेक्ट कैपेबिलिटीज वाले बंदे को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी कैपेबिलिटीज है ये देखो, देन द वर्क असाइंड शुड सूट हिज और हर फिजिकल एंड मेंटल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। आपको उसको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम असाइन करना है। ऐसा नहीं हो कि उसकी काम, वो प्यून के लेवल का बंदा है, मैंने उसको जनरल मैनेजर बना के रखा है, भाई उसको आदत ही नहीं है, वो झेल ही नहीं सकता, उसका इंटेलेक्ट ही वैसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो सिलेक्शन एकदम केयरफुली करना है, चैप्टर 6 स्टाफिंग, और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसको आपको काम भी उसी तरह से देना है, और आपको इंश्योर करना है दैट हिज एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी बोथ द कंपनी एंड वर्कर्स। क्योंकि वो अगर अपने एफिशिएंसी पे लेके काम करेगा तो आपको अच्छा ही होने वाला है, आपके लिए काम कर रहा है किसी, ठीक है। तो ये चार प्रिंसिपल सबको समझ में आ गए? चलो लिखो टेलर के प्रिंसिपल्स, लिखो चारों। सबसे पहला सर सिर्फ चार ही है ना? हाँ सिर्फ चार प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। लिखो सर ये जो टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन दिए है सर सारे, तो पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे इतने बड़े बड़े? मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको ऑनलाइन कराऊंगा, आपको उसे उतना ही पढ़ना है, टेंशन मत लो। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, ठीक है। हाँ। तो वो एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपको मार्क कराऊंगा, आपको उतना ही पढ़ना है, और आपको हेडिंग के नीचे के एक्सप्लेनेशन में कोई एग्जांपल आपको खुद से नहीं लिखना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ जो मैं अंडरलाइन कराऊंगा उतना ही लिखना है, तो उसकी टेंशन मत लो सर। कोऑपरेशन है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब लिख दिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड दूसरा। अच्छा कोई ये PDF पे काम करता है उसको पता है एक साथ दो पेज कैसे दिखाना, अगर आप लोगों को आइडिया है तो? नहीं मुझे तो नहीं आता। प्लस का साइन आता है, कंबाइन स्क्रीन का ऑप्शन होता है ना, लाइक यू कैन शो। हाँ लेकिन मेरे को ये इस ऐप में रहकर IPR वाले बोले नहीं हो रहा है। अरे नहीं IPR वाले तो बोले, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्राई करके देखा, मुझे सर ये बताओ ना सर, मैं तो IPR के नाम पे थप्पा हूं, तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं। एक मिनट होल्ड करना, वो ऑप्शन खोलो ना सर एक बार, टूल्स खोला मैंने। हाँ
वही हो रहा ना, देखो नहीं मैं नहीं मिल रहा, मैंने कोशिश सर कंबाइन फाइल्स सर एडिट पीडीएफ है ना, सुनो वो वैसा नहीं है बेटा, वो कंबाइन फाइल्स, कंबाइन फाइल्स मतलब दो पीडीएफ को एक बनाने का, मर्ज करने का, वो अपने को करना नहीं है अभी इसलिए। अच्छा सर एडिट व्यू में भी शायद ऑप्शन हो, वो मैं चेक करता हूँ, तुम लोग जब तक लिखो ये चार, सबसे पहला लिखो सर एक मिनट दिखाओ ना मैं क्या है इसकी मेन हेडिंग क्या है, पहले दो दिखा रहा हूँ फिर दूसरे दो दिखाऊं, ये दोनों लिखो। नहीं इसको क्या बोलते हैं सर, ये सब चार पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखो और ब्रैकेट में लिखो टेलर, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्रैकेट में लिखो एफ डब्ल्यू टेलर, मतलब उसके उसका उसके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स है एफ डब्ल्यू टेलर के। अरे इंग्लिश लग रहा है सर मेरे को टेलर दर्जी वाला टेलर नहीं है, टी ए वाला टेलर है। हाँ सर ऑब्वियसली इतना तो पता है सर, भाई मेरे को डर लगता है तुम लोगों से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ भी सर इतना तो कॉमन सेंस है ही ना सर, ऐसी थोड़ी ना हम 12th तक पहुंच गए मैंने देखा है तुम लोग कैसे पहुंचे हो 12th तक तुम सर हमने पढ़े थे भवन सालों के तो एग्जाम भी होगी, बाकी के तो कैंसिल हो गई। अच्छा है, हमारी भी हुई, हमारी भी हुई थी, हमारी भी हुई थी सर। स्वामीनारायण की हुई क्या? एक ही हुई ना अकाउंट, थोड़े से ही हुए थे उनके। अच्छा क्या सही है भाई स्वामीनारायण वाले, सही ना सर कितना मस्त स्वामीनारायण। चलो तुम लोग का हुआ, उनके तीन पेपर बाकी थे मेन, ये दोनों लिखे चार मेन सर। हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ ये नेक्स्ट टू है, देखो थ्री एंड फोर, देखो एक अनाउंसमेंट आया है लॉकडाउन से रिलेटेड, ये इट इज एक्सटेंडेड टू सर बताओ जून तक एक्सटेंड हो गया ना, पीएम मोदी एग्रीज विद स्टेट दैट लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड टिल अप्रैल 30। अबे के 15 दिन और सर हमको 15 दिन और भारत का नहीं खाने मिलेगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, 15 दिन तो अभी टेम्पररी बढ़ाया, एक साथ एक महीना दे देंगे तो लोग पागल हो जाएंगे, दुकानें लूटने लग जाएंगे राशन की। सर पूरे जून तक लगा रहे, 2 जून तक तो दे दिया है, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे सर। फिर तो मेरे को शेयर कैपिटल गया मेरा फिर। अरे टेंशन मत लो सर, समझा देंगे आप। मेरे को लग रहा है मेरे को मेरा पूरा बीएससी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीन दिन का ये चैप्टर है, उसके बाद अगला चैप्टर भी 3 डेज का ही है और प्लानिंग 4 डेज का है। 12 के बाद का भी कोई होगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ मैं 4-5 चैप्टर हो जाएंगे मेरे 30 अप्रैल अगर डेली क्लास लू मैं तो। सर पता है स्कूल्स वगैरह बंद कर देनी चाहिए पर ट्यूशंस खोल देनी चाहिए। हो गई ना 2 जून तक बंद है और रेस्टोरेंट। आखिरी पॉइंट सर कितना बड़ा है, डेवलपमेंट ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अपने को ऐसा ही याद करना है क्योंकि प्रिंसिपल है तो अपन इसमें अपनी लैंग्वेज नहीं डाल सकते, तो हेडिंग्स वो तो पता है सर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ हेडिंग में आपको इज और द भी चेंज नहीं करना है, आपको जैसा हेडिंग में अपने मन का नहीं झाड़ सकते। एग्जैक्टली, जस्ट प्रे करो कि मेरे 12th वाले बच्चों का बीएस का पेपर हो जाए, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कैसा पढ़ाया साल भर। सर नहीं भी हुआ बेचारे खुश रहेंगे और क्या। नहीं मेरे को उनकी खुशी चाहिए ना, मेरे को मेरा जिंदगी का मजा लेंगे। लिखो फटाफट फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर पर नागपुर का लॉकडाउन खोल देना चाहिए। नहीं ना बेटा, केसेस आ रहे हैं, 20 केसेस हैं नागपुर में। और लॉकडाउन अगर देखो ओपनली खोल भी दिया ना तो मेरे घर वाले भी इतनी जल्दी बाहर निकल नहीं देंगे किसी को भी कुछ दिन तक, प्रिकॉशनरी एक्स्ट्रा 15 डेज सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन रहेगा मेरा। सर अभी बोल रहे थे कि बीच में 5 दिन लॉकडाउन खोलने वाले हैं। बेटा 5 दिन का लॉकडाउन अगर बीच में खोल देंगे ना तो पिछले 15 दिन की मेहनत रिवर्स हो जाएगी। वो फेक न्यूज है। चलो स्टार्ट करें। अब अपन ने पढ़ लिया प्रिंसिपल, अब अपन पढ़ने वाले टेक्निक्स, ठीक है। अब टेक्निक्स में क्या क्या लिखा है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितनी टेक्निक्स है। सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा टेक्निक है अपना स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा टेक्निक है अपना
मेथड स्टडी, चौथा है आपका मोशन स्टडी, पांचवा है आपका टाइम स्टडी, छठा है आपका डिफरेंशियल पीस फटीग स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इतनी टेक्निक्स अपने को पढ़नी है और बहुत ही सिंपल है, तो प्लीज इस पे वो बिल्कुल दिमाग में लगाना सर इतना सारा कौन पढ़ेगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ, इस पे ये स्टील वर्क पे इजी है, टाइम स्टडी टेक्निक्स पे, टेक्निक्स बहुत इजी है, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत बेसिक है, और जितना बड़ा इसमें लिखा है उसमें एक्चुअली इतना पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, वो आपको तुरंत देख के समझ में जाएगा कि एक्चुअली अपने को लिखना क्या है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक जो है उस टेक्निक के हिसाब से टेलर ने बोला था कि आपका फंक्शनल हर फंक्शन के लिए एक फोरमैन होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी अ मैनेजर फॉर एवरी फंक्शन। इसका मतलब देखो ये चार्ट अपन देखेंगे, ओवरऑल एक फैक्ट्री मैनेजर है, उसके बाद उसने दो और छोटे मैनेजर बनाए, मतलब प्लानिंग इंचार्ज बनाया और प्रोडक्शन इंचार्ज बनाया, ये प्लानिंग करेगा यानी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहेगा। फिर प्लानिंग चार्ज ने चार अपने और बनाए मैनेजर्स, वो मैनेजर को उसने हर एक फंक्शन का उसने एक मैनेजर बना दिया, एक है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा डिसिप्लिनेरियन। तो ये चार फंक्शन परफॉर्म करने थे इसके अंडर, तो इसने क्या किया, इसने चार वो लेके आ गए, चार मैनेजर्स लेके आ गया। और यहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्ज स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस। गैंग मतलब वो गैंग नहीं होते, गैंग मतलब क्या होता है कि जैसे आपके ग्रुप ऑफ वर्कर्स को गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सर यहाँ पे कोई गैंग वैंग भी चलता है क्या? गैंग बॉस मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, और इन सब के नीचे काम करेगा वर्कमैन। तो ये अपन एक प्रिंसिपल पढ़े थे यूनिटी ऑफ कमांड, राइट, हेनरी फेयोल में, ये उससे एकदम अलग है। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या बोलता था कि आपको हर बंदे के पास ऑर्डर देने के लिए सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए, लेकिन इसके इसमें क्या बोलते हैं अपने टेलर के प्रिंसिपल में फंक्शनल फोरमैनशिप है, वो क्या बोलता है कि हर एक फंक्शन का एक मेरे को फोरमैन चाहिए, मतलब हर फंक्शन को देखने के लिए एक मेरे को मैनेजर चाहिए। तो एक यहाँ पे वर्कमैन को अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस मैनेजर के पास जाके बोलेगा। तो ये इट इज अ डिफरेंस। ये वीवो 1802 बार बार आ जा क्यों रहा है, अंश है क्या? हाँ सर, शायद। हाँ सर, अंश। तो अभी अपने को ये ओवरऑल समझ में आया कि क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप। बोलता था कि आपको हर फंक्शन के लिए एक फोरमैन लगाना है, हर फंक्शन के लिए एक मैनेजर लगाना है। एक बार और दिन बेटा सर, एक बार स्लाइड थोड़ी ऊपर करो ना। हाँ, नीचे करो। ऊपर मतलब क्या, डायग्राम देखना है आपको? हाँ, वो जो चार्ट है ना उसका मैनेजर वाला। नहीं, चार्ट बनाना नहीं है, चार्ट बनाना नहीं है, ये बिल्कुल बनाना नहीं, एकदम रिप्रेजेंटेटिव चार्ट है, समझ में आया? इसको मत बनाओ। ये मैं और मैंने बना लिया अभी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था, बना लिया वो ठीक है, लेकिन जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अब फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब क्या? इन अ फैक्ट्री सिस्टम फोरमैन क्या होता है? फोरमैन इज रिप्रेजेंट द मैनेजरियल फिगर विद होम द वर्कर्स आर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑन अ डेली बेसिस। मतलब ये आपका ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट हो गया। इन फर्स्ट चैप्टर बुक यू हैव सीन दैट फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। ही इज अ पाइवट अराउंड होम रिवॉल्व्स द एंटायर प्रोडक्शन। तो ये इसने फोरमैन क्या होता है उसका ज्ञान दिया है। उसके बाद इसने यहाँ पे क्या बोला है, टेलर एडवोकेटेड द सेपरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। दिस कंसेप्ट वुड एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ शॉप फ्लोर। इन द नोन इट इज नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप। अंडर फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। तो ये उसने टेलर ने खुद ने कैसे ये फंक्शन फोरमैनशिप यूज किया था वो उसने बताया गया है। आपको उसके ऊपर नहीं जाना, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब हर एक फंक्शन के लिए मैंने एक फोरमैन मतलब मैनेजर को एलोकेट किया है। उससे क्या होगा कि हर एक फंक्शन मैनेजर अपने उस पर्टिकुलर फंक्शन पे फोकस करेगा एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करेगा एंड वो फंक्शन को अच्छे से करेगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको और कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि सर क्या होंगे वो, ये सब उसने देखो ये जितना भी है वो टेलर के खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है कि उसने और क्या सोचा उसके बाद और क्या किया, अपने को उतना नहीं लिखना है। आपको जो भी लिखना है उसमें लिखाऊं? हाँ, रुकाऊं बेटा, समझ में आया मानव? हाँ सर। देवांश पीयूष तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। पीयूष सर, चलो यस सर, समझ में आ रहा है। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब वही हो।